सावकर का एक बेटी और एक बहू थी बहू पीर जाती तो जब उनको बाप पूछ तो क्या खा कर आई जदवा बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ एक दिन सावकर को बेटो ससरा से मिलना गयो ससुरो बोलियो कि थे मेरी बेटी न बासी कुसी क्यों घालो हो बेटो या बात माँ न आकर पूछो तो माँ बोली मैं तो घालू हूँ चाहे तू आज देख लिए एक दिन बहू को बाप आयो ओजू पूछो बेटी के खा कर आयो बेटी बोली बासी कुसी खाई बाप का जाना का बात धनी बहुत नाराज हो गयो बोलो मेरा बाप ने क्यों बदनाम करा है ताती खाकर बासी कुसी बतावे है जदवा बोली कि थे कुमाओ ना थारो बाप कुमा ना जना बासी कुसी हुई कि नहीं याद सुनकर रू को धनी कमाना चल गयो एक दिन वह पड़ोसन का आगे लाने गई तो देखा तो सब कोई कहानी सुना है जत पूछी यो के करो हो पड़ोसन बोली मैं चौथ माथा की कहानी सुना है जत पूछी कि इसे यो के हुआ है पड़ोसन बोली मैं चौथ की कहानी ए, सुना है तो इस अन्य धन हुआ है बेटा पोता हुआ है बारह बरस को बिछड़ो धनी मिल जावा है जी का दिन सवाबी चौथ को बरत करने लागी सासू चार बगत खाड़ देती जो को एक बार को हथकार निकालती एक बार को गैया न देती एक बार को राखुंडे गाड़ देती और एक बार को चांदना रख देकर आप खा लेती चौथ बरत करता करता बारह बरस हो गया गणेश सोची कि इन बरत करता बारह बरस हो गया अगर इनको धनी न पाछो नहीं लिया तो आपा न कलयुग में कुन मानसी उकी रात न चौथ माता उका धनी करना बोली कि अब तू घर चलो जा तेरी लुगाई तने याद कर है वह बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रखे हूँ कहीं आ जा सकूँ चौथ माता बोली कि दिन उगना से पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों गोडा मोड़कर बैठ जाए देनिया दे जासी लेनिया ले जासी वह सवेरे उठ कर अँ ही करो सारों काम पूरा हो गयो घर आना आने लगे तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख का मारे जलना जावत हो जी को उन्हें छिछखारियो अब मैं तना खाऊंगा वह बोल्यो कि मैं बारह बरस सब घर जाऊँ हूँ जी को मेरी माँ लुगाई स मिलनाने दे पीछे खालिए साँप बोलियो कहीं विश्वास आवे कि तू तो छात पर जाकर पलंग पर सो जा सी बोलियो सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाए इतनो कहकर उदास सो घर आयो कोई न बोलियो कोनी रात न छात पर जाकर गयो चल गयो और एक सीढ़ी में बालू एक में दूध को कुंडो और एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बिखेर दिया रात में सांप आए तो पहले तो बालू में खूब लोट पलोटा खायो पीछे सारी दूध फांकी पी गयो फिर फूला में खूब सुगंध ली और छात पर जाने लगे तो चौथ माता सोची कि आपा इको संकट नहीं टालांगा तो कलयुग में कोई भी कोनी मानसी उन्हें ढाल के से ढक कर तलवार से मार दियो पर थोड़ी सी पूछ कट कर ऊ की जूती में गिर गई पूछ सोची कि यो जूती पैरों को जत खा लूँगा आपस में बात करी कि लुगाई रोजाना चून गिरती सोई का धनी की रक्षा करनी चाहिए सगली कोड़ियाँ कीड़ियाँ लाग कर न थोथी कर दी उको संकट टल गयो सवेरे उठने में देर होगी तो माँ उठी न जाने लगी तो सीढ़े में खून देख कर चिल्लाई सोची कि मेरे बेटो मर गयो बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरा नाम से कोई पुण्य व्रत करे थोके माँ बोली मैं तो कुछ भी नहीं करी पर नुगाई बोली कि मैं बारू चौथे थारे लिए करती माँ बोली कि मैं तो एक भगत को हथकार निकालती एक भगत को गाय न देती एक भगत को राखुंडा गाड़ देती और एक भगत को चांदना अरग देकर खाती ब्राह्मण की छोरी न बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती गाय न पूछो तो वा भी हुंकारो भर दियो राखुंडो खोद कर देखा तो सोना की जेट होगी सारी नगरी में हेलो फिरादियों की पुरुष की लुगाई बेटा की माँ दीदा गोड़ा की धीराणी सब कोई बरत करियो हे चौथ माथा उन सुहाग दियो जिसे सब न दियो कहता ना सुनता ना होकारा भरता ना अपना सारा परिवार न दियो माना भी दियो हे चौथ माथा जी की कहानी गणेश जी महाराज एक सेठ जी का खेत में से निकला था तो बारह दाना नाच का तोड़ लिया पीछा गणेश जी के मन में विचार हो गया तो सेठ जी की चोरी कर ली गणेश जी सेठ जी का बारह बरस की नौकरी करने लग गया एक दिन सेठानी निमट कर राख में हाथ धोना लगी तो विंदायक जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख खोसली और माठी से हाथ धुआ दिया सेठानी सेठ जी ने बोली कि इसो के नौकर राखियों जी को नौकर की जात होकर मेरा हाथ मरोड़ सेठ जी गणेश ने बुला पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो जब वह बोली कि मैं तो सीख की बात बताई हूँ या राक्ष हाथ धोवत थी सो राक्ष कदे हाथ शुद्ध होया कर के राक्ष हाथ धोना से घर की रिद्धि सिद्धि चली जावे है माटी से हाथ धोना से आवे है सेठ जी सोचा गणेशियो है तो श्याणु थोड़ा दिन बाद कुम को मेलो आयो तो सेठ जी बोलिया गणेशा सेठानी ने नुवाला गणेश जी ले गया सेठानी किनारे पर बैठकर कर नहाने तो आगे न ले जाकर गोता खुआ ले आयो घर आकर सेठानी सेठ जी से बोली कि गणेशों को ये के काम मेरी इज्जत ले ली इतना आदमिया का बीच मैंने आगे न घसीट कर नुहा कर ले आयो गणेश ने पूछो तो पूछो कि तो बोलो कि किनारा बैठकर झपकला कर रही थी सबके का जल से नहाव थी आगे न नुहाकर ले आयो तो अगलो जन्म में बहुत बड़ो राजा और राजपाट में लगो जी कस नुहा लियो सेठ जी सोचा कि गणेश है तो शानू एक दिन घर में होम हो रहे हो थो, सेठ जी बोला गणेशा सेठानी न होम में बैठाने बुला लिया सेठानी न बुलाने गए तो सेठानी काली आंगी पैर कर चालने लगी तो आंगी फाड़ दी और बोल्यो कि लाल आंगी पैर का चाल सेठानी रूस का सोगी सेठ जी आकर पूछो कि क्या बात है सेठानी बोली कि गणेशों मेरी आंगी फाड़ दी गणेश ने बुलाकर बोलियो कि तू बहुत बदमाशी करना लाग्यो है गणेशो कहो कि सेठानी काली आंगी पैर का जावत थी तो मैंने ए, मैं तो बाढ़ाकर लाल आंगी पैर पैरना बोलियो तो काली आंगी शुभ का में पैर कर काम सफल कौन ही होगा सेठ जी सोचा गणेशो है तो समझदार एक दिन सेठ जी पूजा करने ला गया तो पंडित बोलिया कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लानो भूल गया गणेश जी बोलिया कि थे मन ही मूर्ति एक करके विराजमान कर लियो थारो सारो काम सफल जासी यह बात सुनकर सेठ जी ने भी गुस्सा आ गयो बोलो कि अभी तक तो तू सेठानी से मस्करी कर रहे थो अब मेरा से भी करना लाग्य गणेश जी बोले मस्करी को नहीं करूँ सच्ची बात कहूँ इतनी कहकर गणेश जी को रूप धर लियो सेठ सेठानी संदेही गणेश जी की पूजा करी पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गया सेठ सेठानी न बहुत धोखो हो कि आपा तो संदेही गणेश जी इस रहता और आप उनसे इतनो काम करायो गणेश जी सपना में कहो कि मैं तो आपका खेत से बारह दाना नाच का तोड़ लिया था सो दोष उतारने खातर काम करो थो सेठ जी का करोड़ा की माया होगी हे गणेश जी महाराज जिसो भी सेठ न दियो भी सो सब न दियो कहताना सुनता ना होकारा भरताना अपना सारा परिवार न दियो माने भी दियो